टूरिस्ट सिटी के रूप में विकसित हुए गोरखपुर में सैर सपाटे के लिए आने वाले लोगों को और सहूलियत मिलने जा रही है। गोरखपुर नगर निगम इसके लिए 2,52,00,000 रुपए की लागत वाली 2 ई टूरिस्ट बसों का संचालन करने जा रहा है। इन ई टूरिस्ट बसों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार 3 अगस्त को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर पहले से लोगों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र रहा है। इसके साथ ही हाल के सालों में खूबसूरत रामगढ़ ताल और चिड़ियाघर पर्यटन के लिए नायाब केंद्र के रूप में उभरे हैं। बाहर से आने वाले लोगों को अब इन स्थानों पर आने जाने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त ई टूरिस्ट बस सेवा की सौगात मिलने जा रही है। गोरखपुर के नगर आयुक्त अविनाश सिंह बताते हैं कि महानगर भ्रमण पर आने वाले इन टूरिस्ट बसों की सवारी कर गोरखनाथ मंदिर, रेल म्यूजियम, रामगढ़ ताल, राजकीय बौद्ध संग्रहालय, चिड़ियाघर आदि जगहों को सैर कर सकेंगे। बुधवार को योगी राज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में नगर निगम की तरफ से आयोजित विकास कार्यों के लोकार्पण व शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री द्वारा फ्लैग ऑफ किए जाने के साथ ही इन ई टूरिस्ट बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। बुधवार को आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 नई इलेक्ट्रिक बसों और 25 कूड़ा कलेक्शन वाहनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। 10 इलेक्ट्रिक बसों को 8,70,00,000 रुपए तथा 25 कूड़ा कलेक्शन वाहनों को 1,50,000,000 रुपए से खरीदा गया है। इस अवसर पर 1,32,00,000 रुपए से खरीदे गए 2 जेंटिंग कम सक्शन मशीनों को भी फ्लैग ऑफ किया जाएगा। सीएम योगी द्वारा कूड़ा कलेक्शन वाहनों के चालकों को रोजगार प्रमाण पत्र भी सौंपा जाएगा। 3 अगस्त को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नगर निगम की कुल 122.29 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। इन कार्यों में सड़क, नाली निर्माण, पेयजल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट, वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, पार्कों व छठ पोखरे के सौंदर्यकरण आदि शामिल हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, अंदर से शीशा मार दिया है जनी। दिनांक 2 अगस्त को अपराह्न में माननीय मुख्यमंत्री जी के गोरखपुर जनपद में भ्रमण कार्यक्रम प्राप्त हुआ है और उसी के परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज में रोजगार से जुड़ी हुई विभिन्न योजनाओं का उनके लाभार्थियों का सम्मान पत्र वितरित करेंगे, नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। उसके पश्चात लगभग 12 बजे के आसपास माननीय मुख्यमंत्री जी परम पूजनीय बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आएंगे और आने पर सबसे पहले पोर्टिको से होते हुए वो हॉल में जाकर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और स्वागत उद्बोधन आदि के पश्चात नगर निगम के द्वारा जो बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार पत्र दिए जा रहे हैं, उनको रोजगार प्रदान किए जा रहे हैं, नौकरी दी जा रही है, उन लोगों को माननीय जी के द्वारा रोजगार पत्र दिए जाएंगे, जिसमें कि हमारे लगभग 39 वाहन चालक, जो हमारे 10 जेल पुलिस के लोग और अन्य लोगों को रोजगार पत्र देंगे। इसके साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं, जिनको आवास इनके बन चुके हैं, उनको आवास की चाबी, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, उनको 10,000 का लोन जो उन्होंने
कायदे से रीपे कर दिया हो, उनको QR कोड देंगे। साथ ही स्ट्रीट अच्छे स्ट्रीट वेंडर्स को वो सम्मानित भी करेंगे। इसके पश्चात जो नगर निगम के डोर टू डोर काम करने वाले जो बहुत अच्छे हमारे वाहन चालक और उनके हेल्पर हैं, जिन्होंने अपने अपने वार्डों में बहुत बड़ी संख्या में आवासों से, घरों से कूड़ा निकाल कर उसको सेग्रीगेट करके अपनी गाड़ी में अलग अलग डालकर MRF सेंटर पहुंचा रहे हैं, उनको भी प्रशस्ति पत्र देते हुए सम्मानित किया जाएगा। इसके पश्चात VIP दौरे में लगातार सफाई को एक उच्चतम स्तर पर ले जाने वाले जो हमारे सफाईकर्मी भाई और बहन हैं, उनमें से प्रत्येक जोन से दो अच्छे लोगों को छांटा गया है जो उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, उनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा गोरखपुर शहर में जो 125 करोड़ की सड़क नालियां, नालों आदि से जुड़ी हुई डीप बोरिंग, मिनी बोरिंग, ओवरहेड टैंक आदि से जुड़ी हुई विभिन्न परियोजनाओं का उनके करकमलों के द्वारा शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम किया जाएगा। और आप देख भी रहे हैं कि लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गोरखपुर जनपद में जो विकास की गंगा बह रही है, आने वाले कुछ ही आप महीने में देखेंगे कि पूरे शहर में पूरे CC रोड का जाल बिछ गया है और कहीं पर भी कच्ची रोड आपको नज़र नहीं आएगी। एक कोशिश साथ साथ ये चल रही है कि CC रोड बनाए जाने से ये फ़ायदा है कि बरसात के दिनों में भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है और इसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ जहाँ वाटर लॉगिंग समस्या है वहाँ पे हम सड़कों के साथ नालियाँ और नाले भी बना रहे हैं, उनका भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लोकार्पण किया जाएगा। तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी बाहर आएंगे और बाहर बने हुए जो हमारा मंच है, उस मंच से वो जो 39 गाड़ियाँ हैं जिसमें कि 25 गाड़ी हमारी डोर टू डोर कलेक्शन करने वाली गाड़ियाँ हैं, टाटा मैजिक गोल्ड, दो गाड़ी जेटिंग मशीनें हैं, सक्शन मशीन बड़ी वाली, 10 जो है कि इलेक्ट्रिक बसें हैं, दो बड़ी वाली टूरिस्ट बसें हैं। इस प्रकार से कुल 39 गाड़ियों को वो झंडा दिखाकर रवाना करेंगे और निश्चित रूप से जो हमारी ये इलेक्ट्रिक बसें हैं हमारे सिटी के एरिया को भी, उसकी परिधि को भी पार करके जो ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत ज़बरदस्त डिमांड आ रही है उसको भी जाकर वो लोग टच करेंगे और वहाँ के लोगों को निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा कि जो बहुत लोग डेली गोरखपुर शहर में आते हैं यहाँ पर अपने मुकदमों के सिलसिले में पढ़ने के लिए या मेडिकल की वजह से कोई अपना चिकित्सा इलाज कराने के लिए, उन सभी लोगों को बहुत ही एक अच्छी सुविधा हासिल हो जाएगी। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो पर्यटक बाहर से आ रहे हैं उनके लिए जो पर्यटक बस की सुविधा है उनको इधर भटकना नहीं पड़ेगा, उन जो रोड मैप बना हुआ है पर्यटन का अपने जनपद में उन बसों पर बैठ के वो उन जगहों दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कर सकेंगे और उसका पर्यटन का आनंद उठा सकेंगे। कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरा प्रदेश विकास कर रहा है और आज देश में नंबर एक की पोजीशन पे है, आने वाले भविष्य में इसी प्रकार की योजनाओं का जो शिलान्यास और लोकार्पण हम लोग कोशिश करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों के द्वारा कराते रहें और हमारा गोरखपुर शहर है दिनों दिन तरक्की करता रहे।